सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज की वीडियो में लोग दोबारा से आ चुके हैं यार ब्लॉग शूट्स में। और गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग भाई फुल बॉडी हॉकी ले सकते हो ब्लॉग शूट्स में। अगर आप लोग गाइस बिगिनर हो तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग फुल बॉडी हॉकी या फिर हॉकी को ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर 900 सब्सक्राइबर्स। तो गाइस अभी के समय में आपको हॉकी कहीं नहीं मिलेगा, खाली ऑरा मिलेगा, ठीक है। अभी हॉकी को चेंज कर दिया गया, खाली उसका नाम चेंज किया, ठीक है, नाम चेंज करके ऑरा कर दिया है, ठीक है। तो हॉकी लेने के लिए आप लोग आ जाना फर्स्ट सी में, और फर्स्ट सी में आपको आ जाना ये फ्रोजन विलेज पर, ठीक है। आप लोग देख लो यहाँ पे आप हो, ठीक है, जहाँ से ये बोट आप लोग स्पॉन करते हो वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये आप लोग देख लो यहाँ पे आ जाना है, वहाँ पे बोट स्पॉन कर देते हैं, यहाँ पे इधर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये काला चीज़ है, इसके अंदर चल जाना है आप लोग को, और यहाँ पे भाई आप लोग को एक एबिलिटी टीचर मिल जाएगा। तो गाइस इससे बात करके अभी आप लोग हॉकी ले सकते हो, जो कि अभी ऑरा बन चुका है, खैर ठीक है। 25,000 बेली लगेगा, ठीक है, फटाक से कर लेना। और भी बहुत दो यहाँ पे दो चीज़ें, और इस पर अभी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, इस पर बाद में फोकस करेंगे। तो गाइस देखो हॉकी मतलब जैसे ही मैंने जे प्रेस किया या फिर मोबाइल में अगर आप लोगों ने प्रेस किया तो वो एक काला आ जाता है आपका शरीर के ऊपर। तो ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये हॉकी है, और इससे आप लोग का स्टैट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसका और इसका, यानी स्वॉर्ड का और मीली का, ठीक है। तो गाइस जब आप लोग हॉकी जैसी खरीदोगे तो आपका ये पूरा काला नहीं दिखेगा, पूरा बॉडी ब्लैक नहीं हो जाएगा, आप लोग का सिर्फ आर्म्स ब्लैक होगा। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या है भाई। तो गाइस फुल बॉडी हॉकी लेने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेजेस को कंप्लीट करने पड़ते हैं हॉकी के, और ये जो कुछ स्टेजेस होने वाले हैं ये टोटल 5 स्टेजेस होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को जानना कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो या फिर अभी आपका कौन सा स्टेज चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग को सिंपली आ जाना भाई मिडल टाउन पे। और उसके बाद ये आप लोग देख लो, ये मेन एरिया है, ठीक है। अगर मैं इधर जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे ये डीलर हम लोग का है, डीलर के बाद ये लाल वाला घर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है डीलर, ये देखो ये हमारा डीलर है, यहाँ पे डीलर है। अब आपको ये वाला घर में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो डोर है ना, ये इसका कोलिजन ऑफ है, तो आप लोग इसके पास आर पार जा सकते हो, ठीक है। आपको इस बंदे से मतलब रखना है, ये बंदा हमारा टट्टी है, अभी तक इसका कोई काम नहीं है, अभी आप लोग इस पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे इस पे आप लोग इंटरेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे भाई आप लोग को स्टेज मिल जाएगा 0, 1 और 2, 3 और इसमें 5 तक होता है टोटल, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप लोग जब नया नया आप लोग मतलब हॉकी खरीदोगे तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा हॉकी दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग फुल बॉडी हॉकी लेना चाहते हो तो आप लोग को रीच करना पड़ेगा स्टेज नंबर 5 में, ठीक है। तो गाइस मैं स्टेज नंबर 5 आप लोग को दिखा देता हूँ, जो कि ये पूरा है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पहले ही देख रखा है। तो आप लोग को अगर ये चाहिए ना, ये इसी को बोलते हैं भाई फुल बॉडी हॉकी। तो इसको लेने के लिए गाइस मैं अभी आपको वीडियो में 2 मेथड बताने वाला हूँ, तो भाई फटाफट से चलते हैं मेथड नंबर 1 पे। बस पहला मेथड पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कोई बंदे क्या करते हैं ना, अगर आप लोग को भाई स्टेज हॉकी का बढ़ाना है तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी उसको स्टेज को बढ़ाने के लिए, जो कि होने वाला है एक हम लोग का मीली और दूसरा होने वाला है हम लोग का स्वॉर्ड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो गाइस जैसे ही मैंने स्वॉर्ड का नाम लिया तो आप लोग में से बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई लाइट फ्रूट का हम लोग स्वॉर्ड यूज़ करेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं भाई, गाइस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मीली यूज़ करना है और अपना स्वॉर्ड यूज़ करना है, कोई भी फ्रूट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट में बढ़ते हैं भाई हम लोग मेथड नंबर 1। तो गाइस मेथड 1 के लिए आप लोग को चाहिए कुछ चीजें, और वो चीजें होने वाली है एक एलिमेंटल फ्रूट। तो गाइस बेसिकली एलिमेंटल फ्रूट होता क्या है ना, कि अगर आप लोग कोई भी एनपीसी से कुछ सर्टेन लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना कि वो एनपीसी अगर आप लोग को अटैक करेगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई डैमेज नहीं होने वाला, ठीक है। अंटिल और अनलेस अगर वो कोई स्किल यूज़ करता है अपना, तो अगर वो नॉर्मल स्वॉर्ड से या फिर मिली से अटैक करेगा तो आपको कोई डैमेज नहीं होने वाला, ठीक है। तो गाइस जो हम लोग का दूसरा रिक्वायरमेंट होने वाला वो होने वाला है एक सिंपल सा ऑटो क्लिकर। और गाइस पीसी यूजर के लिए ऑटो क्लिकर मैं आप लोग को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लेना। और मोबाइल के लिए आप लोग जाओ प्ले स्टोर में जाओ और सर्च मारो ऑटो क्लिकर, उसके बाद आप लोग सेटअप कर लो उसको सर्च मार के, ठीक है। तो गाइस ऑटो क्लिकर कुछ ऐसा दिखेगा, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा ऑटो क्लिकर दिखेगा पीसी के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पीसी के लिए आप लोग सिंपल F6 बटन को याद रखना है, ठीक है, आपको इसको मिनिमाइज कर देना है, F6 ऑन करना है, आप देखो कैसे ये मारेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपना हॉकी को इनेबल कर लेना है, ठीक है। हॉकी जैसे इनेबल कर लोगे आपको अपना स्वॉर्ड या मिली उतार लेना है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज यहाँ से ध्यान सुनना है, ठीक है। आप लोग अगर AFK फार्मिंग करना चाहते हो, जो कि मैं अभी बताऊंगा पहले AFK, उसके लिए भाई आप लोग को कुछ ऐसा मिली यूज़ करना है, ऐसा मिली या स्वॉर्ड यूज़ करना है जिससे आप लोग फेंका हो ना। जैसे देखो अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्लॉ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इससे क्लिक करूँगा ना तो ये देखो मेरा बंदा कैसे फेंका रहा है। तो ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है, आप लोग को ऐसा चीज़ यूज़ करना है जिससे आप लोग फेंका हो ना, ठीक है। जैसे ये स्वॉर्ड है, इससे मैं फेंका नहीं रहा हूँ, देखो कैसे फेंका नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं बूदा से जब ग्राइंडिंग करता हूँ ना तब भी इसी को यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपना ये स्वॉर्ड निकाल लेना या फिर जो भी आप लोग चाहते हो वो निकाल लेना। उसके बाद आप लोग चल जाना जहाँ पे NPC स्पॉन होते हैं वहाँ पे अपना ऑटो क्लिकर ऑन कर दो, ठीक है। आपके पास एलिमेंटल फ्रूट है तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, आप लोग को सिंपल यहाँ पे जाके
F6 दबाओ या फिर जो भी मोबाइल में आप लोग का बटन है उसको दबाओ। और देखो भाई अब यहाँ पे आपको AFK हो जाना है, ठीक है, ऑटो क्लिकर चल रहा है यानी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप लोग AFK बैठ जाते हो 20 मिनट से ज़्यादा तो आपको बैन नहीं लगने वाला, ठीक है, मतलब किक नहीं होने वाला आप लोग का, ठीक है। सिंपल देखो ऐसे ऐसे करते 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 आप लोग का स्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मेक श्योर भाई आप लोग का हाकी ऑन हो, क्योंकि भाई कोई कोई बंदों को मैंने देखा भाई वो AFK चल जाते पूरे रात भर लेकिन भाई उनका हाकी का स्टेज बढ़ नहीं पाता, क्यों, क्योंकि भाई वो मर जाते हैं फिर किसी कारण से अपना हाकी को ऑन करना भूल जाते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम लोग मेथड नंबर 1 के नॉन AFK मेथड पे। नॉन AFK मेथड के लिए भाई सेम है, खाली हम लोग को AFK नहीं रहना है, मतलब सिंपल है भाई, नॉन AFK के लिए नॉन AFK रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो क्लिकर ऑन कर लो, स्वॉर्ड निकाल लो, हाकी इनेबल कर लो और ऐसे पकड़ के घूमते रहो बंदों को, ठीक है, ऐसे पकड़ के बंदों को ढूंढते रहो। आपके पास एलिमेंटल फ्रूट है, कोई दिक्कत नहीं वाला ना, मुझे पता है भाई कि हाँ मेरा लेवल ज़्यादा है तो इससे बंदे एक एक शॉट में मर जा रहे हैं। तो गाइस यही था भाई हम लोग का मेथड नंबर 1 जिसमें मैंने AFK मेथड बताया और नॉन AFK मेथड बताया। तो ऐसे कर कर किया भाई आप लोग को बढ़िया से ले लेना है। खैर भाई अभी मैं बढ़ता हूँ मेथड नंबर 2 के लिए। तो गाइस जो दूसरा मेथड के लिए आप लोग को आ जाना है मिडिल टाउन पे, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को एक फ्रेंड को उठा लेना है जो कि आपसे लेवल ज़्यादा हो, मतलब बहुत लेवल ज़्यादा हो। मान लो अगर आपका लेवल 20 है तो भाई उसका लेवल एटलीस्ट 800 या 900 तो होना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा उतना तो होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, फ्रेंड को कह दो भाई ये उधर आ जाएगा चिपक जाएगा, बस उसका काम खत्म, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना हाकी इनेबल कर लेना है, उसके बाद आप लोग को सिंपली अपना मिली यूज़ करना है या फिर स्वॉर्ड यूज़ करना है, ऑटो क्लिकर ऑन करो, ठीक है। उसके बाद आप लोग चल जाओ कोना में, उसके बाद भाई वहाँ पे उसको मारते रहो और भाई आपका स्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो मेथड है ना, ये यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने इसको आज तक कभी ट्राई नहीं किया है, बट हाँ लोगों ने कहा है भाई कि हाँ ये मेथड काम करता है। तो गाइस अगर नहीं काम करता है तो भाई सॉरी, अगर काम करता तो चुपचाप जाके भाई वहाँ सब्सक्राइब बटन दबाओ, नहीं तो भाई पाप लगेगा यार, आप लोग कभी हॉकी का स्टेज 5 नहीं ले पाओगे यार। क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग का मन करे तो सब्सक्राइब करो नहीं तो नहीं करो, खैर ठीक है। तो खैर गाइस यही है वो दो मेथड जिससे मैंने भाई हॉकी का स्टेज को बढ़ाया है। दूसरा वाला मेथड खैर यूज़ नहीं किया है उतना कभी भी, ठीक है, लेकिन पहला वाला मेथड मैंने हमेशा यूज़ किया है। तो ये मेथड भाई बहुत जरूरी होने वाला है, पहला वाला AFK और नॉन AFK दोनों यूज़ किया मैंने। तो खैर गाइस आज की इस वीडियो का लाइक है मैं रखने वाला हूँ 15 लाइक्स, जाके फटाफट से करा दो यार, और मुझे पता है आप लोग करा दोगे। खैर गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।